हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप विद त्रिशा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। सो अगर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो का हॉल वीडियो, ये हॉल वीडियो नहीं एक कुछ का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और इसमें मैं आप लोग के साथ ये वीडियो थोड़ा ब्लॉग टाइप में होगा, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ मीशो का रिव्यू शेयर करूँगी, मीशो से मैंने क्या लिया है क्या नहीं मैं अभी नहीं बताऊँगी, आगे वीडियो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं आप अभी मैं ये ब्लॉग मतलब एक ब्लॉग टाइप जैसा वीडियो है, तो अभी मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर और मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपनी ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मे का पीच मिल्क है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं ये यूज़ करूँगी और इसी में मैं थोड़ा सा फेस सीरम भी यूज़ करूँगी, गुड वाइब्स का है, रोज हिप का। अभी मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसी में मैं मिक्स करके इसको लगा लेती हूँ। विंटर स्टार्ट हो ही गया, फेस बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है, तो यही मैं लगा रही हूँ। तो लगा ले इसको आप कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अपने फेस में, 1 मिनट भी आप अच्छे से इसको फेस में आप एब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लेके अपने फेस पे। अब मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, इसको अपने फेस को थोड़ा थोड़ा सेट कर लूँगी। अब लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं लैक्मे 925 लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसी को मैं थोड़ा सा अपने चिक्स पे भी लगा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा मेकअप डन। मैं इससे ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ काजल, तो मैं काजल भी लगा ही लेती हूँ। ये बेला का काजल है, तो ये हो गया काजल। अगर आप मस्करा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ मैं फेसेस कैनेडा का मस्करा यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा मेकअप डन, बहुत ही इजी, बहुत ही क्यूक होने वाला मेकअप। आप 3 से 4 मिनट में आराम से कर सकते हो, विंटर में आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए अब मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मीशो से मैंने क्या लिया। मीशो से क्या आया, तो ये रहा वो सामान, और इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से पैकेज होके आता है कुछ प्लास्टिक में अच्छे से। उसके बाद ये है कुर्ता सेट विथ स्कर्ट, ये है मीशो का, ये है उसका कुर्ता, ठीक है। कुछ कुछ इस टाइप का इसका कुर्ता है, कैमरा में पता नहीं क्यों पिंक दिख रहा है, बट ये पिंक नहीं है, रेड है, ये देखिए।
ये कॉटन नहीं है, ये मतलब जो इसका कुर्ता का कपड़ा है वो कॉटन नहीं है, रेयॉन कॉटन जो होता है ना वो है इसमें, इसका फैब्रिक रेयॉन कॉटन है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये कुर्ता है। इसका लेंथ आप इतना है, क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगी, मैंने इसको पहना था दिवाली में, इसको मैंने वेयर किया था, तो अब यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ इसके नेक पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, ये देखिए यहाँ पर, ये कुछ वाइट कलर का ऐसा एक डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है कुछ नेक पे, ये देन इसको आपको, ये इसमें आपको फुल स्लीव्स नहीं मिलते, ये 3/4 है यहाँ पे इसका स्लीव्स, ये देखिए, ये इसका ये कॉटन नहीं है, इसका कुर्ता का जो कपड़ा है इसका फैब्रिक है वो है रियॉन कॉटन। ठीक है, और मेरा इसमें साइज़ था L, इसमें मैंने साइज L कर दिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ लूज़ हो गया था, इसको मैंने अपना फिटिंग करवाया है इसको। अगर इसके क्वालिटी की बात करते तो सच में ये कुर्ता बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में है, और इसको आप क्या बोलते हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये कुर्ता सेट अच्छा लग रहा है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे टाइटल को टच कीजिएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग पहुँच जाइएगा, वहाँ से इसका लिंक है, आप इसको डायरेक्ट वहाँ पर, या इसका मीशो में लिंक नहीं होता है, मीशो में होता है कोड, आपको और प्रोडक्ट में और आप लोग कहीं से लेते हो तो उसका लिंक होता है, बट मीशो में लिंक नहीं दिया जाता। इसका मैं कोड आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कोड वहाँ पे रहेगा जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस कोड को आप जाके मीशो पे सर्च कीजिएगा तो वो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। तो ये हो गया इसमें कुर्ता का बात, तो इसको ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ इसका कलर रेड है और इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत है, इसमें येलो भी था, देन ब्लैक भी आपको इसमें मिलता है, पिंक भी इसमें आपको मिलता है, तो आपको जो भी कलर पसंद आए तो आप लोग ले सकते हो, बट मुझे रेड लेना था तो मैं रेड ली हूँ इसमें। तो ये हो गया कुर्ता, इसमें आपको मिलता है एक दुपट्टा भी, ये देखिए कुछ वाइट कलर का दुपट्टा है इसमें, इसका ऊपर का जो है कुर्ता वो है रेड, इसमें वो क्या बोलते हैं वाइट का कुछ इस तरह का वर्क किया हुआ है, ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनाया गया है, तो इसमें जो दुपट्टा है वो आपको वाइट मिलता है और इसमें रेड कलर का ऐसे कुछ फ्लावर डिजाइन इसमें बना हुआ है। दुपट्टे का लेंथ भी अच्छा अच्छा है, जितना नॉर्मल दुपट्टा का लेंथ होता है उतना ही है, ये देखिए, ये दुपट्टा आपको प्योर कॉटन मिलता है, दुपट्टे का लेंथ बहुत अच्छा है, जैसे बाकी दुपट्टा मतलब कुछ भी आप लोग लेते हो जैसे जो नॉर्मल दुपट्टा का साइज होता है उसी साइज़ में दुपट्टा का लेंथ है, जो कि बहुत अच्छा बात है। ये प्योर कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक भी है, तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा आपको। और इसमें आपको दुपट्टा मिलता है, स्कर्ट मिलता है, देन आपको ऊपर का कुर्ता मिलता है, तो ये तो हो गया दुपट्टा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं स्कर्ट पे। मुझे लगा था कि क्या बोलते हैं प्लाजो रहेगा, बट ये प्लाजो नहीं है, इसमें आपको मिलता है स्कर्ट नीचे का, और स्कर्ट बहुत ही अच्छा खासा लेंथ पे आपको आता है, और आपको इसमें साइज XL तक शायद आपको मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसका प्राइस क्या है मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, मुझे याद नहीं है इसका प्राइस, इसका सब कुछ लिंक कोड मैं सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये इसका पिक्चर भी सेंड क्या बोलते हैं अपलोड किया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेकअप विद त्रिशा करके मेरा इंस्टाग्राम भी है। तो चलिए, ये रहा उसका, ये स्कर्ट भी आपको मिलता है येलो कलर का, ये और देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ आपको ये, तो जो नीचे का बॉटम वेयर है वो भी कॉटन ही में है, ये भी वाइट है, देन उसमें जिस जैसे दुपट्टा में आपको प्रिंटेड था रेड कलर का, वैसे इसमें भी आपको वैसा ही सेम प्रिंट मिलता है, तो कुछ ये इस तरह का है। देन इस आपको यहाँ पर
ये देखिए, ये यहाँ, सॉरी यहाँ पर से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा, जिससे देखने में लगता है ये प्लाजो है। और सच में ये पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। सच में जब मैं पहनी थी, सच में मुझे तो ये स्पेशली बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो मैं आपको 100% आप लोग को ये बोलूँगी कि आप लोग ये ले लो, बहुत ही अच्छा पीस है। तो ये कुछ इस तरह का है, इसमें आपको अच्छा घेर भी मिल जाता है। ये फैब्रिक भी इसका कॉटन है। ये देखिए, का नीचे का जो कलर है वही है वाइट, देन दुपट्टा में जैसे सेम प्रिंटेड इसका भी है। तो मुझे तो ये सच में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे इसको आपको इस तरह का मिलता है रबर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो आराम से आपको हो सकता है। और मैं इसका पिक्चर लगा दूंगी मैं कैसे पहनी थी, कि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं पिक्चर साइड में लगा दूंगी या फिर वीडियो। तो ये रहा उसका बॉटम वेयर। इसका घेर भी आपको काफ़ी घेर इसमें आपको मिलता है। ये देखिए, इसमें आपको काफ़ी घेर मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा खासा आपको घेर मिलता है। देन और इसका ऊपर जो कुर्ता सेट है, उस कुर्ता है वो भी रेड है। देन ये दुपट्टा ये वाइट है, इस पर वो प्रिंटेड है। ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा इसका बॉटम वेयर, जो स्कर्ट है जो कि बहुत सुंदर है। देन ये हो गया उसका दुपट्टा और ये है कुर्ता। कुर्ता का लेंथ भी बहुत ही अच्छा है आप लोग को। अगर आप लोग कुछ आपका हाइट हुआ ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से आप लोग को भी आ जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। इन सब का मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो कर दिया करो लाइक। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। और बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी उससे सबसे पहले आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसको आप, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।